दोस्तों, जब भी देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ईवीएम के साथ साथ एक और चीज का जिक्र होता है, वो होते हैं बैलेट पेपर। अभी इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो 2 राज्य हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन 2 राज्यों से जिनसे उम्मीद थी वहां पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ बाकी के जो 3 राज्य है वो तो हार ही गई। मिजोरम में भी अच्छा प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, तेलंगाना जो है वो कांग्रेस जीती है। तो 3 राज्य, तकरीबन आप कह लीजिए 4 राज्य कांग्रेस हार गई और 1 राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। अब देखिए, यहाँ पर बात जो हो रही है वो घूम फिर कर आ जाती है ईवीएम और बैलेट पेपर पर। वहां क्यों आती है दोस्तों बात, ये भी जानना देखिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कांग्रेस हार गई है तो कांग्रेस इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता, यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने इस जनता के इस बड़े फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जनता के इस मैंडेट को वो स्वीकार करते हैं और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन घूम फिर कर जब बात ईवीएम पर आती है तो बैलेट पेपर का भी जिक्र हो उठता है, और इस बार बैलेट पेपर का जिक्र किया है शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने। दोस्तों क्या कहा है उन्होंने इस खबर में, मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों अभी इस वक्त 5 राज्यों में से तकरीबन 4 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर भी अगर कोई पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई है तो वो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पार्टी है। दोस्तों जी हाँ, यूबीटी जो है उद्धव ठाकरे गुट की जो पार्टी है, खासकर उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, और उनका कहना है कि वो आखिरी दम तक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन से हाथ पीछे खींच लिया या इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से नाराजगी के चलते, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो इकलौते ऐसी इकलौती पार्टी है दोस्तों जो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई है। हालांकि ये अलग बात है कि संजय राउत की तरफ से, जिनका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी, संजय राउत की तरफ से कांग्रेस को सलाह भी दी गई है और कहा गया है कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर आप चलेंगे तो आगे जाकर आप जीत सुनिश्चित कर सकते हैं जिस राज्य में आप चाहते हैं, लेकिन अगर छोटी पार्टियों को आप नजरअंदाज करेंगे छोटी पार्टी समझकर तो फिर यह आपके लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब कांग्रेस इस बात पर कितना मंथन करती है, कितना चिंतन करती है, कितना नहीं, दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। मगर संजय राउत ने अभी क्या कहा है बैलेट पेपर को लेकर, ये आपको बता देते हैं। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग संजय राउत ने की है। दोस्तों क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो खबर मैं दिखा रही हूं उसके मुताबिक संजय राउत ने फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि कम से कम कोई एक चुनाव तो बैलेट पेपर से कराया जाना ही चाहिए। यानी आप एक चुनाव तो कराकर देखिए बैलेट पेपर से, आपको असलियत समझ में आ जाएगी। इसका एक उदाहरण दोस्तों छोटा सा मैं आगे आपको दूंगी, हालांकि मैं दावा नहीं करती कि वो उदाहरण कितना सटीक है और कितना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो उदाहरण दूंगी ताकि संजय राउत जो कह रहे हैं उसमें कितनी स्पष्टता है, कहां तक वो सही है कहां तक गलत है, कहीं ना कहीं समझा जा सके। तो संजय राउत ने क्या कहा है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। संजय राउत ने कहा कि कम से कम एक चुनाव तो बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए, जिससे कि अगर किसी के मन में कोई संदेह हो, किसी के मन में कोई शक हो कि भाई हम चुनाव अपने बलबूते पर, अपने पूरी लड़ाई हमने लड़ी, योजनाएं लेकर आए हम, तमाम तरीके से जनता से जुड़ने का प्रयास हमने किया, बावजूद इसके हम कैसे हार गए, तो ये जो शक है ये कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के अंदर भी शायद दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो शक जो है उसके लिए संजय राउत ने कहा कि किसी को संदेह ना हो, इसलिए आपको एक बार तो कम से कम एक चुनाव तो कम से कम आपको बैलेट पेपर से कराकर देखना चाहिए, ताकि ईवीएम पर जो अभी तक सवाल खड़े होते आए हैं वो जो सवाल है वो आगे जाकर खड़े ना हो। आगे उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 4 राज्यों में जनता का जनादेश आ गया है, तेलंगाना में अलग जनादेश है, बाकी के 3 राज्यों में अलग जनादेश है, बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है, जनादेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के मन में संदेह है कि ये कैसे संभव हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि अगर संदेह है तो उसे दूर कर लिया जाना चाहिए, एक चुनाव मतपत्र से होना चाहिए, इस एक चुनाव से संदेह जो है दूर हो जाएगा। तो सोचिए
कि तमाम जितने भी बड़े, संजय राउत का कद कोई छोटा मोटा कद नहीं है दोस्तों, सांसद रह चुके कई बार के, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र के एक जाने माने कद्दावर नेता है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है ये एक बड़े बयान के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपको एक उदाहरण दूंगी तो एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ, जैसा मैंने कहा दोस्तों इस उदाहरण की पुष्टि मैं नहीं करती लेकिन आपको समझाना जरूर चाहूंगी। आपने अगर इस चुनाव को बहुत करीब से देखा या अगर आपने इस चुनाव के नतीजों में बहुत करीब से ध्यान लगाकर टकटकी लगाकर नतीजों का इंतजार किया दोस्तों, तो आपने देखा होगा जब इसके नतीजे सामने आ रहे थे तो शुरुआती गिनती बैलेट पेपर की हो रही थी। अब जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो बैलेट पेपर की गिनती होने तक भी सब कुछ ठीक था, अच्छी खासी पहले रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी, सब कुछ ठीक था। अचानक से जैसे ही ईवीएम की गिनती होनी शुरू हुई तो तमाम बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स का भी ये कहना था कि भाई असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, जैसे ही ईवीएम खुलती है सबके जो आकलन है वो धरे के धरे रह जाते हैं और ईवीएम पर कुछ और ही नजर आता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि बैलेट पेपर तक जो चीज ठीक हो रही थी, आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस को जो मतदान ठीक ठाक मिलता हुआ नजर आ रहा था, अचानक पूरा खेल कैसे पलट गया, वो भी उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। जैसा मैंने कहा, हम किसी भी तरीके से ईवीएम पर सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं दोस्तों, विपक्षी पार्टियों का सवाल है और ये आज से खड़ा नहीं हो रहा है, काफी समय से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। बावजूद इसके क्या एक्शन लिया जाता है क्या नहीं है आप भी जानते हैं बाखूबी, हम भी जानते हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।